मज़ेदार ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी जा रहे हैं जू की ओर। आज जू में जाएंगे और काफ़ी अलग अलग चीज़ें होने वाली है, कोई ओपन एयर म्यूजियम है वहाँ जाने वाले हैं। और हम जा रहे हैं अभी हमारे रिचर्ड भैया की बस में। रिचर्ड भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। आज हम जा रहे हैं मज़ेदार जू के ओर। कहाँ जा रहे हैं अपन आरो? मजा आने वाला है आरव को। आरव के लिए हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कितना बढ़िया दिख रहा है वहाँ का। They like I said, do sell the wheat. Remember, we are more. The meter prices are kind of. If you look at the other roof and they kind of repaint and they churn, you see your shield also. Where we keep driving now. These people gave name to the weekdays. So welcome to Open Museum, everyone. दोस्तों हम अभी है म्यूजियम में जा रहे हैं एस्केलेटर से वहाँ पे, और हमारे दिलीप जी भी है यहाँ पे साथ में। ठंडी लग रही है, ठंडी बहुत है। भाभी जी ठंडी लग रही है ना? हाँ लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा है। वो बोलते गुलाबी गुलाबी नहीं, ये तो लाल लाल ठंडी है। दोस्तों अभी है स्कैंसेन में, हम लोगों के एडवाइजर है वहाँ पे, सब इन्फॉर्मेशन दे रहे है। देखो क्या ड्रेस पहना हुआ, देखो छप छप छप। तो दोस्तों ये जो है ये ओल्ड टाउन है, कैसा स्वीडन हुआ करता था वो सब कुछ इस चीज में दिखाया है। आप देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो ओल्ड घर थे वो कैसे थे। तो म्यूजिक उस टाइम पे कैसा हुआ करता था। आरव इज गोना ट्राई नाउ। Vote 1919, both women and men, okay? To vote to the election. Yeah. Not only the men. And in 1921, first year men and women. She voted here. Okay, you should do that. So she's voted here. No, but I. Modi. That's what he's called. Modi. Yeah. So he's our prime minister. Thank you. Thank you. So दोस्तों आपने देखा मानसी ने वहाँ पे उसका नाम लिखा और मेरा नाम लिखा। वो क्यों लिखा था मानसी, बताइए व्यूअर्स को। 1960s में पहली बार स्वीडन में मेन और विमेन दोनों ने साथ में वोट किया। उससे पहले विमेन को वोट करना नहीं अलाउड था, या वो लोग करते नहीं थे बिकॉज इक्वालिटी नहीं था पहले। सो दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड इक्वालिटी कि मेन विमेन दोनों इक्वल है और वोटिंग करना चाहिए हमेशा। सही है, और उन्हें पता भी था कि इंडिया में रिसेंटली इलेक्शन चल रहा है। सो इट वॉज गुड दैट या सो इट इज़ वेरी फेमस। ओके, इंडिया इलेक्शन बिगेस्ट इलेक्शन, उनको सब पता होता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ के लोग गाँव में भी जानते हैं इंडिया के बारे में। This is the best place for kids. Look, kids are playing nicely. Aarav is also going. Wow, wow, wow. तो पुराना मार्केट जो था वो ऐसा हुआ करता था, लोग यहाँ बैठा करते थे, तो उसे रिटेन करके रखा है यहाँ पे। पहले दोस्तों स्वीडन में ऐसे छोटे से घर हुआ करते थे, वहाँ पे अभी भी लेडी रह रही है। सो ये इट्स अ क्वाइट फेमस प्लेस। और ये देखो यहाँ पे चिंदिया होती है ना अपनी, उसका लेंटन बनाया है। उसके अंदर माता को हमारा प्रणाम। दोस्तों जब भी आपको ठंडी लगती है ऐसे मौसम में, तो यहाँ पे देखो अपना सिकोटी जैसा जलाया जाता है और खुद को वार्म रखने के लिए। सो यहाँ के लोकल लोगों को देख रहे हैं, ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए इसको वार्म रख रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच। मस्त। दोस्तों यहाँ पे वेजिटेरियन कुछ मिल नहीं रहा है, तो खाली हम लोगों ने फ्राइज लाई है, ये गरम गरम फ्राइज खा रहे हैं। यहाँ पे मस्त बॉनफायर लगाया हुआ है, अच्छा म्यूजिक चल रहा है और बहुत रोमांटिक लोकेशन है। Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bo. Kom ihåg då! Naturgräde ska det vara. Vad ska det vara? Märket flicka med ko! Ja! Kärlek utan kyssar, läs och kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde. Det är inget annat säger.
क्या कहा जाता है पता नहीं हमें, लेकिन आप पता कर लीजिए प्लीज। सील, ओके, इसे सील कहा जाता है। हेलो, काफी बेहतरीन नजारा है यहाँ से, आप पूरा स्टॉकहोम का व्यू यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है बहुत दोस्तों। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, वहाँ से ट्राम जा रही है, वहाँ पे रिवर है, यहाँ पे सब मॉन्यूमेंट्स है। तो आज का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, आई थिंक 4 के आसपास टेम्परेचर, और काफ़ी विंड चल रही है, हाथ जो है वो सुन्न हो गए पूरे दोस्तों। अभी निकल रहे हैं हम लोग वापस, काफ़ी विंडी है, अभी टाइम हो चुका है, सब कुछ देख लिया ऑलमोस्ट, और आई होप ये मजा आ रहा है आपको। सो दोस्तों काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, अभी निकलते हैं लंच के लिए। लंच जो आज हमारा अरेंज हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे हुआ है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है जाने के लिए। कहाँ गया सर अपना लंच? सरवना भवन, वर्ल्ड का नंबर वन वेजिटेरियन फूड चेन। अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा बबलू होता, खाने को मिलता लड्डू, और दुनिया दौलत होती। बैटरी डिलीवरी, टायर डिलीवरी एकदम मस्त वाली, क्या जबरदस्त साइकिल है, वाह। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे होटल में, जो कि शेरेटन होटल है स्टॉकहोम में। आज का वीडियो दोस्तों लास्ट डे हमारा स्कैंडिनेविया में, पैकिंग चल रहा है, सारा पैकिंग हो चुका है। जो जो अभी पहले क्या करते हैं, पहले पूरा बैग वगैरह पैक करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और हमारे पास में एक 7 से 8 घंटे शॉपिंग के लिए, सो उसको यूटिलाइज करते हैं। हाँ दोस्तों, निकले हैं शॉपिंग के लिए, आज लास्ट डे इन स्टॉकहोम, शाम को फ्लाइट है स्टॉकहोम में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी जो देखी है मैंने, वो सारी मर्सिडीज़ ही है, इवन उनकी वैन्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी वैन्स हैं मर्सिडीज़ की। आपने H&M कंपनी का नाम सुना होगा, आपने आइकिया का नाम सुना होगा, आपने वॉल्वो का नाम सुना होगा, ये तीनों कंपनी स्वीडन की है, जहाँ पे भी हम हैं। और एक मज़ेदार चीज़ यहाँ की, ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी बाइक है, सो ये आप ऐप के थ्रू रेंट कर सकते हो और उसे चला सकते हो। देख सकते हो मुझे आप यहाँ पे, वाह 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 वाह, साइकिल्स के ऊपर में मिरर्स है, मिरर का रिफ्लेक्शन हम पे गिर रहा है, वाह वाह, बहुत ही काफी अच्छा शॉपिंग के लिए मौसम है। आज हमारा लास्ट है, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे इंडिया। फाइनली ये शूज मुझे पसंद आया तो इसे खरीदते हैं। दोस्तों ये शॉप है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही चलता है, ये कैश एक्सेप्ट नहीं करते, इनकी खुद की लोकल करेंसी भी एक्सेप्ट नहीं करते, इमेजिन करो। सो शूज ले चुके हैं, एक टैक्स फ्री रिसीट भी इसका साथ में आया, एक टैक्स फ्री का मैंने एक अलग वीडियो बनाया, कैसा टैक्स फ्री काम करता है वो देखना ना भूलिए। सो ये कंट्री दोस्तों कहते हैं लोग कि दे डोंट बिलीव इन यूजिंग कैश, सो कार्ड ट्रांजेक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, पता नहीं क्यों। अभी हम लोग जा रहे हैं जारा स्टोर में, देखते हैं जारा में अगर कुछ पसंद आता है तो। तो दोस्तों जारा से भी शॉपिंग हो चुकी है, काफ़ी गिफ्ट वगैरह लिए है, सनग्लासेस वगैरह लिए है। अभी देखते हैं रिवर आइलैंड, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट शॉप। क्या ये अच्छा लग रहा है? आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। मानसी को कौन सा अच्छा लगा है, ये वाला और द ब्लैक वन ना? शो मी हाउ मच इट इज,
पसंद आया तो प्राइस क्या देखने की, क्या बोलता पब्लिक। अभी आया जैक एंड जोस में, ये चश्मा है वो ले लिया है, अच्छा दिख रहा है। जैक एंड जोस में क्या क्या है देखते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कीजिए, ये जो भी प्राइस है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8, सो दैट्स इन क्रोन। जैक एंड जोस हैव नाइस सूट्स हियर, वी डोंट गेट दिस इन इंडिया, एंड दैट्स अ नाइस कैजुअल। हाँ, इतना कुछ पसंद नहीं आया जैक एंड जोस में और रिवर आइलैंड में, बट रिवर आइलैंड से खाली चश्मा लिया है। अभी निकले हैं, देखते हैं कौन सी शॉप में क्या क्या मिलता है और क्या शॉपिंग हो सकती है। स्टे विद अस, वन लास्ट ट्राई, ओके, वन मोर ट्राई। हाँ, बैठे यहाँ पे मानसी अंदर में शॉपिंग कर रही है और हम लोग यहाँ पे सनबाथ ले रहे हैं। दोस्तों, हम लोग हैं स्वीडन की गलियों में और स्वीडन की गलियों में देखो हमने क्या देखा यहाँ पे। हमारे विराट भैया और हमारी दीपिका भाभी, क्या बात है, दोनों स्वीडन की गलियों में साथ में हमारे। यहाँ देख सकते हो आप, ये स्नो गिर रहा है, आप यहाँ पे देखो, और इसे कहते हैं स्लीट्स। सो बारिश के पहले कैसा ड्रिजलिंग होता है वैसा स्नो गिर रहा है, तो उसे कहते हैं स्लीट्स। इट्स अ पार्ट ऑफ स्नो बट इनिशियल फेज ऑफ स्नो। सो अभी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन है। दोस्तों, एक्साइटेड हूँ स्नो को देखने के लिए, लेकिन मैंने स्नो काफ़ी टाइम देखा है, लंदन में 8-9 साल रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने स्नो देखा है। सो स्नो नया नहीं है। That is Mansi's favorite brand. Toiletries, accessories, makeup के लिए, foundation, foundation, सब कुछ जो लड़े बोलते ना, denting, painting, लड़कियों का सब मिलता है वहाँ पे। Finally हमें मिल चुका है हमारा होटल और हम जा रहे हैं यहाँ पे हमारा होटल है। पहले पैकिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं और टाइम मिलेगा तो और घूमते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। We are in Sheraton. All luggage is there. Ready to leave the hotel. So Richard is helping us with the baggages. निकल रहे, जल्दी, बहुत हार्ड, ट्रिप हो गई, बहुत हार्ड। स्टॉकहोम से फ्लाइट है दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर मुंबई, see you tomorrow. एक्साइटेड हूँ, आई एम रियली एक्साइटेड टू रीच मुंबई नाउ। अभी थक गया हूँ यूरोप से घूम घाम के, यहाँ का नकली खाना, नकली रोटियाँ, इतनी मोटी मोटी रोटियाँ, शायद अपने जेल में उससे पतली मिलती हो। एक्चुअली प्लान में थोड़ा चेंज है, खाना खाने के बाद हम लोग जाने वाले शॉपिंग मॉल में 4-5 घंटे बिताएंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे। ज़बरदस्त खाना हो गया और यहाँ पर थोड़ा सा शॉपिंग किया है न्यूयॉर्कर से। खाना तो था आज का दोस्तों बेहतरीन खाना था। शॉपिंग हो चुका है, यहाँ से अभी निकलते हैं। तो यहाँ पे है सारे फैक्ट्री आउटलेट, अभी कौन से फैक्ट्री आउटलेट में जाने का देख लो। लिवाइस है, नाइकी है, चलो नाइकी देखते हैं, कुछ देखते हैं, शूज लेते हैं, जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं और मस्ती करते हैं। क्या बोलता है पब्लिक? मस्ती 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 बोलता है पब्लिक। हैदराबाद पब्लिक क्या बोलता है? मस्ती मजा करते हैं। दोस्तों, ये जो लोकेशन है यहाँ पे सारे कंपनियों के फैक्ट्री आउटलेट्स है। यहाँ देखो लकोस्टे का है, वहाँ नाइकी, यहाँ पे ट्रीफिट, यहाँ पे पीक परफॉर्मेंस, यहाँ पे जम पैरिस, वहाँ पे स्क्रेचर्स, वहाँ पे जेंट, सारे ब्रांड्स यहीं पे है। Enjoying? Yes, I am enjoying. So we finally bought 2 shoes here from Puma, and the one is red and Bhavi ka recommendation se. Yes. Thank you very much. Credit milna chahiye. Thank you very much. I like the red one. So you know, something different. Very funky, huh? And ye hamare shop mein pehenne ke liye hai brown. Made in India. T-shirt is made in India.
So t-shirts were made in India. We are from India. So why to buy made in India products here? कैसा है? बहुत ही पागलपंती है क्योंकि गेस है। देखो कैसे खुश हो रहे, जैसे कि फ्री में बांट रहे हैं। जैसे कि फ्री में बांट रहे हैं। और सामने में होप है क्योंकि आगे में होप रहेंगी ना तो पीछे में गेस है। और लेकिन नाइकी से ये अच्छा लगा मेरे को। कलरफुल भैया, हम लोग कलर वाले भैया। लाल बड़क आइटम कर लाले, लाल लाल मेरी पतंग। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर गो गो, ब्यूटीफुल प्ले एरिया फॉर किड्स, ऑल किड्स आर प्लेइंग देयर। सो दोस्तों, बेहतरीन शॉपिंग हो चुकी है। अभी हम लोग निकले एयरपोर्ट की ओर, हमारी बसेस यहाँ खड़ी है। दोस्तों मैं ना अभी है ना एक ट्री हाउस में खेला था असली वाला। तो जो प्ले एरिया था वहाँ पे आरव खेल रहा था। और ये हमारे भूषण सर हमारी वेट करते हुए। चलिए चलिए जल्दी चलिए, फ्लाइट उड़ जाएगी उसके बाद में हम यही रहना पड़ेगा हमें। फ्लाइट नहीं, हमारा उड़न खटोला उड़ जाएगा। उड़न खटोला, अच्छा। वो भी लाल धूम वाला। पहुंच चुके एयरपोर्ट पे, उसको चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, ड्यूटी फ्री से शॉपिंग हो चुकी है। अभी निकले हम मुंबई की ओर। बोलो काका को कुछ बोलना है। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम 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 सीता राम राम राम, सबको राम राम कर दी है। दोस्तों अभी फ्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो चुका है। मैंसी हैज लॉट ऑफ स्माइल ऑन हर फेस। आई नो, वी शॉप्ड एंड शॉप्ड and now we going to India. Yay! अभी निकले हैं हम मुंबई की ओर वाया दिल्ली। और कहाँ कौन बैठा है? Back to home, back to basics, back to work. Bangalore is going here, Pune is going there, Mumbai is here, nobody is from Delhi. So, दोस्तों अच्छी ट्रिप हो चुकी है, अभी सब लोग घर पे जाने के मूड में है। तो मिलते हैं अभी सीधा घर पे। चलो बाय। दिल्ली जब लैंड हुए उसके बाद में हमको मुंबई की फ्लाइट कैच करनी थी, तो दिल्ली जो लैंड हुए हम लोग 8:45 को लैंड हुए, और उसके बाद में मुंबई का फ्लाइट जो था 10 बजे था, वो सवा घंटे में हमको चेक इन करना था, मतलब पूरा बैगेज लेना था, इमिग्रेशन करना था। वो कैसे वैसे दौड़ दौड़ के हो गया, उसमें शूट नहीं कर पाया। और घर पे पहुँचे तो थक गया था, नींद आ रही थी काफ़ी, तो शूट नहीं कर पाया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में दोस्तों एक बेल आइकन दिया है, उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। आगे पहले वाले वीडियो अगर दोस्तों देखे नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए, काफ़ी मज़ेदार वीडियो थे। दैट्स वन शू सेकंड थर्ड एंड दैट्स फॉर आर आउट। दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लेना। टेक केयर, बाय।